स्पेशली दिस ईयर. यस, आ जाइए. बताएं। हाँ सब बताएंगे. अभी मैंने ऑनलाइन बच्चों को भी बोला कि आप लोग भी बताइए. मैम कनेक्ट नहीं हो रहा था बहुत देर से। कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने अभी बस स्टार्ट ही किया है. सॉरी, टीचर ले रहे थे से पहले इन लोगों की क्लास. हाँ बोलिए. आई आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि देयर आर समथिंग गुड अबाउट दुर्गा पूजा, बट एट द वेरी सेम टाइम देयर आर समथिंग बैड आल्सो अबाउट दुर्गा पूजा. सो व्हाट डू यू फाउंड गुड एंड व्हाट इज एक्चुअली नॉट गुड अबाउट दुर्गा पूजा दिस टाइम, पूछ के रखो. हाँ, उसने तो बता दिया अपना ओपिनियन. गुड थिंग इज अबाउट फास्टिंग, जो उसने किया नहीं. और एनीवेज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दुर्गा पूजा ओनली, ठीक है ना. एंड बैड थिंग इज अबाउट नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन व्हाइल इमर्जिंग द आइडल एंड एंड नॉइस पॉल्यूशन एंड हाँ एंड देयर इज अ फियर ऑफ प्रमोटिंग थर्ड वेव ऑफ वायरस बिकॉज ऑफ द रश, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द क्राउड एंड द रस इन द मेला और पूजा. ठीक है, तो ये उन्होंने बताया. अब आप लोग बताइए, कोई और भी बता सकते हैं अपना ऑब्जर्वेशन, क्या और क्या अच्छा है? अगर बुरा नहीं मिल रहा तो अच्छा ही बताओ. मैम यस मैम, मॉडलिंग इज वेरी बैड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दुर्गा पूजा. ए लॉट ऑफ मॉडलिंग. मॉडलिंग व्हिच काइंड ऑफ मॉडलिंग मैम? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम या ड्रेसेस वियर अप इन डिफरेंट अटायर स्पेशली फॉर गर्ल. ओके ठीक है. और कुछ, और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलने जा रहे थे ना, कोई बताइए. हाँ ओके, मीटिंग फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स, दीज आर द गुड थिंग्स अबाउट पूजा, राइट? वेरी गुड. हाँ एक्चुअली द फेस्टिवल मीन्स मीटिंग आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स पीपल एंड If you into village, then village people. Yes, VG schedule में time निकालना और उनको मिलना है. This is good about every festival, not just about Durga Puja. It's about every festival. This is the always this is the best part of any festival. ठीक है, सही बात है. And वो जो आप बोल रहे हैं कि गलत है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो हमारे अपने हाथ में है ना. हम चाहे तो नॉइस करें, चाहे तो नॉइस ना करें, चाहे तो भीड़ को ना करें, चाहे तो करें, इट्स अप टू अस. इसमें पूजा की कोई गलती नहीं है, द वे वी सेलिब्रेट एनीथिंग, ठीक है ना. तो हम भूल जाते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, इस बार किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए वगैरह. तो ये तो सिर्फ पूजा में ही नहीं, मेरे ख्याल से आम दिनों में भी इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तभी ठीक है. तो बंद करवा दो एसी, ठंड लग रही है. फैन अगर चला सकते तो चला दो, थोड़ी देर बंद कर दो, फिर थोड़ी देर चला देंगे. ओके तरफ चले जाओ, इधर का एसी ऑन है, उधर का ऑफ, ठीक है. एंड जो नॉइज हम लोग ऐसे भी आम दिनों में करते हैं, बिना मतलब का जो हॉन्किंग करते हैं, दैट इज द रियली वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. एंड आई थिंक कि जो हॉन्किंग यहाँ किया जाता है, पटना का हॉन्किंग है, वो लोगों को साइड मांगने के लिए कम और डराने के लिए ज्यादा किया जाता है कि भाग जाओ वरना हम कि हम आपको नजरअंदाज कर देंगे कि सड़क पे आप भी हैं, ठीक है ना. तो ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और जो चलाने वाले होते हैं वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है, वो किधर साइड देंगे, दाएं बाएं, जब ऑप्शन रहेगा तभी साइड देंगे. तो ये तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ अंदर थोड़ा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, नो डाउट. हम मीन्स के बिहारी, नॉट मी स्पेशली, वी ऑल आर गुड इन मैथमेटिक्स इन कैलकुलेशन इन सो मेनी थिंग्स वी आर गुड, बट वी आर वेरी पुअर इन सिविक डिसिप्लिन. जो सिविक सेंस होता है ना, उसमें बहुत पुअर है अभी भी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बेवजह हॉकिंग करते हैं, है ना. बेवजह हॉकिंग करते हैं, बेवजह कुछ कचरा इधर उधर फैलाते हैं, बेवजह पानी बर्बाद करते हैं. और ये सब लोग सिर्फ वही नहीं करते जो पढ़े लिखे नहीं होते, इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आपका भी होता है, यानी जो अपने आप को लिटरेट बोलते हैं उनका भी होता है. तो ठीक है, दिस डीपी, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो उसको प्रमोट करिए, अगर कुछ बुरा लगा तो अपना कम से कम, ठीक है ना, अपना उसमें कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दीजिए, ठीक है. बाकी का ठेकेदार आप
नहीं हो सकते हैं, बाकी की का तो आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट एवरी पर्सन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन एक्ट कि हम अब इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लाइक नॉइज में, नॉइज पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कचरा फैलाने में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वायरस फैलाने में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सिर्फ यही लड़का है जो मास्क पहना हुआ है पूरे क्लास में अभी भी, और मैंने अभी अभी उतारा है सिंस आई हैव टू टेक क्लासेस और मैं इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, राइट। तो हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम अपनी जिम्मेदारी ले लें, ठीक है। हो गया, इस विषय को यही क्लोज करते हैं, ठीक है। और प्रियंका सोच रही है कि अच्छा हुआ हम मुफ्त में बच गए, हमसे मैडम ने कुछ पूछा नहीं। अब पूछते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले आप लोग बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पूछ रही हूँ और ऑफलाइन स्टूडेंट से भी पूछ रही हूँ कि मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज मैनेजमेंट। आपको जो समझ में आया पिछले दो दिन के क्लास में, राइट, वो आप बोल सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में दो दिन से पहले मैनेजमेंट के बारे में जो कुछ भी था आप वो भी बोल सकते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंक या वर्क डन बाय विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, चलो सही है। और कुछ और किसी का? यस, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ मैम? Very good, Shabas. Whatever resources, ठीक है? Whatever resources you have, how can you optimally utilize them or maximum utilization, proper utilization of all those resources, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम management बोलते हैं। और कुछ next? Yes, online को student बोल रहा था। Management is the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling. And work done through others efficiently and effectively. ठीक है, very good, very good. ये भी है management का मतलब, सही कहा आपने। तो management का मतलब in short होता है कि management, हाँ अभी और कोई student बताना चाह रहा है बोलिए। Ma'am, it is a process of getting things done which the main aim of achieving goal. Very good. It is a process of getting things done by others in a effective and efficient way. सही है। तो whatever resources you have, how you are optimally, how you are going to utilize all those resources in a proper way, in the best way possible, ठीक है ना, जिससे आप उसका maximum benefit ले सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? Management बोलते हैं, ठीक है। Management को yes, sorry interrupt करने के लिए, मैम द वर्ड मैनेजमेंट रिफर टू फोरकास्ट टू प्लान। ठीक है, हो गया। मैंने आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा, आपको इतनी जल्दी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो कि मैनेजमेंट मतलब आपका जो भी रिसोर्सेज है उसको आप कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, ठीक है। अच्छा, अब रिसोर्सेज क्या क्या है ये बताइए। अभी मैं कुछ शुरू नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों से पूछ रही हूँ, रिसोर्सेज क्या क्या है? प्रियंका बोलो, व्हाट आर द रिसोर्सेज? मैम, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और आपने क्या बोला, फिर से बोलिए। ऑल दोस फैक्टर्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ? यही तो है, क्या क्या है, व्हाट आर दोस रिसोर्सेज? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस, कैपिटल रिसोर्सेस, मैनमेड रिसोर्सेस, यही सब मतलब बोलना होता है प्रियंका, यही सब एग्जाम में हम नहीं लिखते हैं, है ना? कभी लिखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेस, मैनमेड रिसोर्सेस, यही सब? नो, यू हैव टू स्पीक आउट व्हाट आर दोज रिसोर्सेस, नाम बताइए उनका। ऑल दोज फैक्टर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेस। ठीक है, मैं समझ गई, आपने किताब से एक लाइन पढ़ लिया, याद कर लिया। अब बताइए कि क्या क्या है ये रिसोर्सेज? वाटर है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ठीक है, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है, लैंड है, वाटर हो चुका, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट है,
अब मैं थोड़ा रिसोर्सेज को और अच्छे से डिफाइन, आपको बताओ डिफाइन नहीं करेंगे, डेफिनेशन आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए, आप कोई भी काम करेंगे ना, ऑल द टाइम पेट्रोलियम इज नॉट एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर यू। अभी पढ़ाई लिखाई करने के लिए पेट्रोलियम चाहिए हमें, नहीं चाहिए ना, ट्रैवल करते समय दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, राइट, है ना, ठीक है। तो जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते, पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं पिकनिक करने जाते हैं, या कोई इवेंट करते हैं, या फिर मूवी देखने जाते हैं, या फिर और भी बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, और बताओ, और काम बताओ, काम पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, हो गया वो, हम लोग जाते हैं काम करने, यानी कि अभी पढ़ने के पर्पज से काम है, कभी हम जाएंगे ऑफिस में जॉब करने, तो एवरी टाइम आपके जो रिसोर्सेज वो बदलते रहते हैं, है ना, रिसोर्सेज वो हैं जो एक आपका जो काम है, हर समय आपका काम डिफरेंट हो सकता है, राइट, तो उस समय उस काम को खत्म करने के लिए आपको जिस जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, वो आपके लिए रिसोर्सेज हो जाता है, राइट, जैसे कि अभी तुम्हें यहां से कहीं जाना है, सपोज कर लेते हैं जब जाना ही है तो कहीं अच्छे जगह चलते हैं, राइट, कहाँ चले, शिमला चलते हैं, ठीक है, चलो हिल स्टेशन, हाँ ओके, हम लोग शिमला चलते हैं अभी, तो वहां जाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आप करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत आपके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होना चाहिए, टिकट होना चाहिए आपके पास बुक, ठीक है, या फिर आपका एक अपना गाड़ी होना चाहिए, अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो ड्राइवर होना चाहिए, उसमें फ्यूल के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ठंडे कपड़े होने चाहिए, ठंडे कपड़े यानी ठंड से बचाने वाले कपड़े होने चाहिए, ठीक है, उलन जो भी आपका स्वेटर है वो होना चाहिए, शूज होना चाहिए, गमबूट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे स्नो रहेगा तो आपको वहां चलना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपका आपके पास एक ऑप्शन है, वहां पे आप रेंट पे ले सकते हैं, है ना, वहां पे अवेलेबल होता है, आप वो ले सकते हैं, और क्या क्या चाहिए, खाने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, खाना तो इतना हम सत्तू बांध के ले नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो और ना ही समोसा बांध के ले जाएंगे, लिट्टी चोखा बांध के ले जाएंगे इतना, तो वी हैविंग सफिशियंट फंड फॉर हमारे खाने के लिए, हमारे होटल में रुकने के लिए, या फिर कैंपिंग करने के लिए, जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और तब पता चलेगा जब आप लोग काम करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सारे चीज तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आप मैनेज कर लोगे, 6 महीना जमा करोगे, जोड़ोगे, तो आपके पास पैसा भी हो जाएगा, आप अपने लिए सेल जब लगेगा तो स्वेटर भी खरीद लोगे बहुत सारा, ताकि बहुत ठंड लगे तो 2-3 पहन ले, ठीक है ना, सब चीज हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता नहीं मिलने वाला है कि नहीं, वो है समय, टाइम, छुट्टी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, सारी प्लान धरी की धरी रह जाएगी जब ऑफिस के बॉस बोल देंगे नो नॉट एट ऑल, ठीक है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप बिल्कुल नहीं जा सकते, तो आपके बाकी के 4 फ्रेंड जो अलग अलग जगह काम करते हैं वो टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे, एंड देन दे सेंड यू सेल्फी पिक्स एवरीथिंग फ्रॉम शिमला एंड यू आर डूइंग योर वर्क, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिली, तो टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जिसको हम लोग भूल जाते हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो टाइम अपना है, ठीक है ना, जब टाइम दूसरे को दे देंगे तो फिर और उसके बदले में हम क्या लेंगे, उनसे सैलरी लेंगे, मुफ्त में टाइम नहीं देते किसी को, तो पता चलेगा कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट था, हाँ, जिसको हमने ऐसे ही गवा दिया, तो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, एवरीथिंग दिस रिसोर्सेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर टास्क, है ना, हमारा जैसे जैसे काम बदलेगा रिसोर्सेज का रूप रंग रेखा बदलता जाता है, ट्रिप के लिए ये सारे रिसोर्सेज हैं, इवेंट के लिए कुछ और रिसोर्सेज लगेंगे, उसके बाद क्लासेस के लिए होना चाहिए क्या, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा क्लासरूम, ठीक है, जहां पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सके, आपस में नॉइज, बाहर का नॉइज अंदर ना आए, तो एक नॉइज प्रूफ एक बिल्डिंग हो या एक रूम हो तो बेहतर है, क्योंकि आपका ध्यान फोकस्ड हो सकेगा, तो पेन पेपर पेंसिल मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन दिस बिकम्स द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज दिस डेज, एंड साथ प्लस इंक्लूडिंग टाइम भी, ठीक है ना, टाइम अभी खाली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कैमरा ऑफ करके क्लास कर रहे हैं, मे बी दे आर बिजी डूइंग इन समथिंग डिफरेंट मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस क्लास, ठीक है, यहाँ अटेंडेंस के पर्पसेस सिर्फ आ गए हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि जितने का कैमरा ऑफ रहेगा मैम उनको एबसेंट करने वाली है, खैर ठीक है, ये उनकी उनकी मर्जी, अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि आप कैमरा ऑन करके तभी मैं अटेंडेंस बनाने वाली हूँ, तो रिसोर्सेज
requirement, necessity changes and all these constitute resources for that particular thing. उस काम को खत्म करने के लिए जिस जिस factors की आपको जरूरत है वो आपके लिए एक important resource हो जाता है. और मैंने कहा ना कि जैसे हर resources scarce होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बहुत आयत में नहीं होता. अभी जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है ना, like समय, ठीक है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा है तो कुछ दिनों के बाद ये कम हो जाएगा, बाकी चीजें बढ़ जाती है ना. अभी क्या है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, ठीक है ना, लेकिन पैसा कम है. थोड़े दिनों के बाद पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन समय कम हो जाएगा. और थोड़े दिनों के बाद पैसा भी बहुत रहेगा, समय भी बहुत रहेगा, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है ना, कि हम ट्रेकिंग करने जाएं, हम शिमला जाएं, हम पार्टी करें, नहीं रहेगा एनर्जी. बुढ़ापा, ठीक है ना, जहां समय भी होता है, टाइम भी होता है, एनर्जी नहीं होता. तो एवरी टाइम आपके चैलेंजेज, आपके रिसोर्सेज बदलते जाते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, कुछ ना कुछ की कमी हो जाती है. तो वो जो कमी हो गया उसको कंपनसेट करना मैनेजमेंट है. उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, जो कम है, जो ज्यादा है उसको मैनेज करने का ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो कम है उसको कैसे मैनेज करेंगे कि आपका काम इफिशियंटली, इफेक्टिवली, कम कॉस्ट में आप वो सब कुछ अचीव कर ले जो आपको अचीव करना है. दिस इज वॉट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब समझ में आया रिसोर्सेज क्या है. रिसोर्सेज सही में मैंने कभी डेफिनेशन को गलत नहीं बोला, क्योंकि वो एग्जैक्टली सही डेफिनेशन है कि जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है. लेकिन ये रिसोर्सेज कीप चेंजिंग, क्योंकि आपकी जरूरतें हर बार बदलते रहती है और उस जरूरत के लिए आपके रिसोर्सेज बदलते रहते हैं. यहां तक क्लियर है. इसीलिए मैंने एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ाया था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट, जहां हमने शुरू किया था डिसीजन मेकिंग से. डिसीजन मेकिंग किस चीज को लेकर के हम डिसीजन लेते थे, रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या क्या था उस समय, कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज में वही सब, ठीक है ना, जो तुम बोल रही थी कि वही सब मैम, यानी बेंच, डेस्क, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, टेबल, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज, राइट. फिनेंशियल रिसोर्सेज, इन सारी चीजों को लेने के लिए, परचेज करने के लिए जो हम लोगों को कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोल देंगे, कुछ अनइजी लग रहा है, ठीक है, बाहर जाना हो तो जा सकते हैं, ठीक है ना, इफ यू आर फीलिंग अनइजी, ठीक है, ओके. मतलब बहुत ज्यादा जान को खतरे में डाल के क्लास करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगा तो यू कैन गो, ठीक है, आप थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धो के आ जाइए, ओके. तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल रिसोर्सेज, राइट, जिससे आपको इन्वेस्ट करके ये सारी फिजिकल रिसोर्सेज का आप इंतजाम करते हैं. ये दो रिसोर्सेज हो गया. और उसके बाद हम बोलते हैं किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि गाड़ी ठीक हो गया, ड्राइविंग किसी को नहीं आती और ड्राइवर नहीं हुआ, ठीक है ना, तो भी शिमला का ट्रिप कैंसिल हो सकता है, राइट, क्योंकि कोई अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा है आपको. नहीं आ नहीं है, ठीक है, समझ में आया. तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलेंगे, ठीक है, जो चीज के बिना, जिस चीज को करने के लिए एक स्किलफुल ह्यूमन चाहिए, ठीक है ना, गाड़ी ड्राइव करने के लिए ड्राइवर चाहिए, उस समय हमको पायलट थोड़ी ना चाहिए, ठीक है ना, नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ड्राइवर चाहिए. उस समय हमको कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर कुछ नहीं चाहिए. उस समय हमारा काम कौन कर सकता है, सिर्फ एक ड्राइवर कर सकता है, राइट. तो जो एग्जैक्टली स्किलफुल है उस काम को करने के लिए, उस तरीके के स्किल्ड लेबर, मैन पावर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है. अच्छा, एक चीज बताओ जो डिफरेंस है बाकी रिसोर्सेज में एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में. एक चीज जो डिफरेंट है, एक चीज जो डिफरेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैं क्या बोलूं, ठीक है, जब ये पहली बार हुआ था तो मैं भी डरी थी, लेकिन अब आदत हो गया है, अब मुझे पता है ज्यादा नीचे लेके नहीं जाएगा, ओके. सो व्हाट वन थिंग व्हिच इज डिफरेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज लाइक कैपिटल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, एंड जो चीज डिफरेंट है, मतलब एक कोई, हाँ, यस, ह्यूमन काम को करते हैं, ह्यूमन काम को करते हैं, मशीन भी आपके काम को करते हैं, सर्विस, मैम सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. देखो, मैंने पूछा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच डिफरेंशिएट ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम अदर रिसोर्सेज. ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन जो आप अपने मन से आंसर कर सकते हैं. अभी एक बच्चे ने कहा कि ह्यूमन काम करते हैं, ठीक है ना, दूसरे बच्चे ने कहा कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन, आप लोगों का क्या मानना है,
सही है मैम, सर्विस प्रोवाइड कर, ठीक है, ठीक है। और कुछ या यही सही है? मैंने तुम्हारा बात समझ लिया, सही है, ये सही आंसर है। और कुछ? एक आंसर सही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज ही ऐसे रिसोर्सेज जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। मशीन भी काम करता है, अभी अमन ने बोला कि आदमी काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, बिल्कुल। एग्जीक्यूशन का जो काम है वो ह्यूमन रिसोर्स करता है, प्लानिंग भी ह्यूमन रिसोर्स ही करता है, वेरी गुड। तो प्लानिंग करता है, ठीक है, हो गया यार, प्लानिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, डायरेक्टिंग भी करता है, स्टाफिंग भी करता है, आई अग्री। और क्या करता है? What is the other thing which differentiate? आपने एक बात सही बोली कि machines को operate करते हैं human resources, ठीक है ना। मशीन रह जाएंगे अगर और काम नहीं कर पाएंगे अगर human resources को नहीं on करेगा, नहीं operate करेगा, नहीं तरीके से उसको चलाएगा तो। Yes? Invest करते, यानी capital generate करने का काम भी human resource ही करते हैं। Overall अगर हम इसको conclude करें तो human beings are machine है, capital है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ये लैंड है, ये जो भी हमारा इक्विपमेंट फाइनेंस है, एवरीथिंग इज फाइनेंस। हाँ, कैपिटल बोला, ठीक है ना, फाइनेंसेस उसी के अंदर आ गया। ये जो भी चीज है ना, दे आर डेड, ठीक है ना, दे आर डेड, ठीक है ना। इनका अपना कोई लाइफ नहीं है, ये सोचते नहीं है, ये बोलते नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट ह्यूमन रिसोर्सेज आर एक्सप्रेसिव, है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं किस किस चीज को, खुशी को, ठीक है ना, मोटिवेशन को, डीमोटिवेशन को, डिससेटिस्फेक्शन को। कोई मैम चैट रही है, ठीक है ना, जल्दी खत्म नहीं करती अपना, मन ही मन हम बोलते, ठीक है ना, जल्दी जाओ यार, कंक्लूड करो। वॉट यू आर एक्सप्रेसिंग योर, ये हो गया, बहुत हो गया, अब सर दर्द कर रहा है, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर एक्सप्रेसिव, वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं अपने खुशी को, गम को, मोटिवेशंस को। अच्छा कुछ लगा तो उसको एक्सप्रेस करते हैं, बुरा कुछ लगा तो उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत संभाल के रखने वाले रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। इनको बहुत अलग तरीके से आप हैंडल करेंगे। और यस, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ना रहे तो ये सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि कौन करेगा ये काम? काम करने के लिए जो चाहिए, मशीन चलाने के लिए चाहिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए, प्रोग्राम सर्विसेज देने के लिए, डेवलप करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो कौन देगा? ह्यूमन रिसोर्सेज देगा। तो इनको ट्रीट करना है आपको किस तरीके से? अलग तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि इनकी इफिशियंसी बनाए रखना है। मशीन को तो ठोक पीट के ठीक कर दोगे तुम और वो फिर से चलने लगेगा, राइट। पैसा नहीं है तो आप फंडिंग कर लेंगे, क्राउड फंडिंग कर लेंगे, बैंक से ले लेंगे, स्मॉल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेंगे, कहीं कहीं से अपना पूरा क्रेडिट लेकर के फंड रेज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इन्वेस्ट करके उनको वापस भी कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, ये भी आप कर लेंगे। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे दिमाग के अंदर घुस करके मेरे जगह आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा काम तो मुझे ही करना है, राइट। आपका काम आपको ही करना, तो हम आपसे कैसे काम करवाए? लेकिन काम तो करवाना है आपसे। प्रियंका तुम्हें हायर करके ले जाएगी आईसीआईसीआई बैंक, तो तुमसे तो वो काम करवाएगी ना, तो कैसे काम करवाएगी? तुम एकदम अभी के जैसे नहीं बोलना है कुछ, ठीक है ना, मूड नहीं है आज, ठीक है। तो फिर कैसे काम करवाएगी? वहां बहुत सारे ऐसे रहेंगे बच्चे, बहुत सारे ऐसे इंप्लॉय रहेंगे जिनका मूड नहीं रहेगा काम करने का उसने, ठीक है ना। दे हैव सम अदर प्लान्स, ठीक है। आज मैं बस किसी तरह दिन कट जाए, आज बस आज जाना है ऑफिस से, जल्दी जाना है, ठीक है ना। कुछ और प्रोग्राम है दिमाग में चल रहा है, उनसे भी तो काम लेना है। कैसे लेगी वो काम? आपको मोटिवेट करके, आपको कभी प्यार से समझा के, कभी डांट के, ठीक है ना। डांटेगी भी इतना ही जितना जितने में आपका संतुलन बना रहे, राइट। इतना ज्यादा भी नहीं डांट देगी कि आप कल से आना ही बंद कर दोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके रिक्रूटमेंट के ऊपर कंपनी का खर्चा होता है, होता है ना, पर रिक्रूटमेंट पर हेड कंपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करती है। तो वो ऐसे आपको आसानी से जाने भी नहीं देगी, राइट। आपको रोक के रखेगी कंपनी, आपको समझा के रखेगी, आपको मोटिवेट करेगी, बोलेगी यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा जानता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत टफ है इससे काम कराना, सोच लेता है कि नहीं करना है तो नहीं करता। तो आपको पुचकार के समझाएगी, ठीक है ना, कि कैसे करना चाहिए। देखो बेटा, इस बार का टारगेट अगर तुमने अचीव कर लिया तो तुमको इतना परसेंट का हाइक मिलेगा, है ना, तुमको इतना इंसेंटिव हम देंगे, हम तुमको अब्रॉड घूमने का टिकट देंगे फ्री में, वो भी एक फ्रेंड के साथ, 1+1। अब आपको क्या दे रही है? वो मोटिवेट कर रही है, ठीक है ना। आपने स्टार परफॉर्मर को
वो चार्ज कर रही है कि वो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाए और वो देता है। इसी सब बातों पे क्या होता है, उनका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, उसी से वो देते हैं। इसीलिए हम एक अलग से, जैसे आप फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, ये सब टॉपिक आपका सब्जेक्ट। इसी तरह से आप आगे जब जाएंगे बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में, तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या पापर बेलना पड़ता है किसी भी कंपनी में एचआर पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? इन शॉर्ट द ओनली डिफरेंस about human resources and other resources, they are thinking, they are emotional being, they having feelings, they having emotions, they are sentimental being. ठीक है, तो इनको deal करने का तरीका entirely different होगा अलग resources को deal करने से, correct? ठीक है, अब हम लोग process of management पे आते हैं। यहाँ तक management हो गया, ये resources हो गए, और conceptual framework में जो हमने पढ़ा था decision making regarding the utilization of all these resources and why utilization of all these resources to achieve ultimate objectives of the organization, group goals of the organization. ठीक है, ठीक है ना, group goals नहीं बोलते हैं, group goals भी हो सकता है, organizational goals भी हो सकता है। And yes, एक और चीज होता है, चलो हम लोग नेक्स्ट ये पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि पांच फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये पांच फंक्शंस को ही हम लोगों ने पांच प्रोसेसेस भी बोला, दैट यू नो वेरी वेल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था ये हमको प्रियंका ही बता सकती है। डायरेक्टिंग तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, ओके, डायरेक्टिंग तक हो गया था, नहीं सिर्फ कंट्रोलिंग बचा है प्रोसेस में, राइट? ठीक है, तो प्लानिंग मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज thinking, है ना, what to do, when to do, who is going to do, ठीक है ना, how to do and why to do, all these answers कहाँ पे होते हैं, planning में। तो ये सबसे पहला step है किसका, management के function का सबसे पहला step है planning। planning के बाद हमने क्या किया था, organizing किया था। organizing में हम क्या करते हैं, class में okay, तो प्लानिंग के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, पढ़ाई हो चुकी है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्क, वेरी गुड। हम काम को डिवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल टास्क में डिवाइड करके, और स्किलफुल लोगों को जिनके पास जिस बेसिस का स्किल है, टैलेंट है, उनके बीच में वो काम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर टास्क एंड देन डिवाइडिंग द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ skill required to perform that particular task, है ना, ये हम organizing करते हैं, जिससे responsibility authority का relationship create होता है। authority बोले तो क्या, authority का मतलब divide करके आपको देगा the power which is required to perform that particular thing। हाँ ठीक है, power is, power जो है ना वो actually formal word नहीं है, ठीक है ना, informal word है, ठीक है, अथॉरिटी इज फॉर्मल वर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशंस में हम पावर यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, अथॉरिटी। एक बात और बता देती हूँ, अथॉरिटी और पावर में एक और डिफरेंस है। पावर होता है वो हमारे अपने अंदर होता है, हमारे पर्सनालिटी में होता है वो पावर, ठीक है ना, हम अपने पावर से, यानी हमारे अंदर जो भगवान का दिया हुआ है, उससे हम लोगों को कितना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, लोगों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर क्या होता है, इनहेरेंट होता है। पावर इज नॉट कि हमको कोई देता है, ठीक है ना, हमारे अंदर इनहेरेंट होता है। अथॉरिटी क्या होता है, हमको असाइन किया जाता है, हमको ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। जैसे कि कल को आप जनरल मैनेजर के पोस्ट पे चले जाएंगे, तो जनरल मैनेजर के जो भी अथॉरिटीज होंगे वो आपको कंपनी द्वारा मिलेगा ना, ठीक है। और जिस दिन आप निकल जाएंगे कंपनी से, रिजाइन कर देंगे, क्या तब भी आपके पास वो अथॉरिटीज रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो आपका पोजिशन आपको डिसाइड करता है, ठीक है ना। जिस चेयर को आप होल्ड करें, चेयर मतलब जिस डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट को, वेरी गुड, जिस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपके पास अथॉरिटी होता है। तो अथॉरिटी आपको फॉर्मली असाइन किया जाता है, आपको दिया जाता है, राइट, जबकि पावर आपके अपने पास होता है, ठीक है। तो पावर इज एन इनफॉर्मल वर्ड, व्हाइल व्हाइल यस, अथॉरिटी का मतलब हक नहीं हुआ, अथॉरिटी का मतलब हुआ, देखो अभी नरेंद्र मोदी
को हम लोगों ने अथॉरिटी दिया है कि वो हमारे पीएम है और वो हमारे हक में, भारत के हक में जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि हमने उनको ये अथॉरिटी दी है टू रूल इंडिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। क्या मनमोहन सिंह अब वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं? नहीं ना, अब उन्होंने वो चेयर छोड़ दिया। जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे तब तक वो भी डिसीजंस लेते थे, ठीक है, तब वो भी करते थे, और जैसे भी जो भी रूल है कि विपक्ष द्वारा इतना वोट मिलने पर वो सारे चीजों को फॉलो करते हुए जो भी उनको डिसीजंस लेना होता था लेते थे, लेकिन अब वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो पावर जो है, जो इन्फ्लुएंस करने का होता है, कोई भी आदमी अपना इन्फ्लुएंस किसी पे डालता है वो उसका अपना स्किल होता है, ठीक है ना, वो उसके अंदर अपना इनहेरेंट टैलेंट होता है, लेकिन अथॉरिटी जो होता है वो उसको दिया जाता है। कौन देता है? वो डिजिग्नेशन देता है जिस पर हम उसको अपॉइंट करते हैं, किसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पास, जोनल हेड के पास, जनरल मैनेजर के पास, अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो जो भी काम उसको असाइन किया जाता है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कुछ तो पावर होना चाहिए, राइट। देश चलाने की जिम्मेदारी दे रहे हो और कोई पावर ही नहीं दे रहे हो तो देश कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो अथॉरिटी का मतलब होता है जो हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है, उस जिम्मेदारी को करने के लिए आपके पास जो पावर एक होना चाहिए वो सब हम आपको दे रहे हैं आज, ठीक है ना, वो हम सब आपको इंट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले जमाने में राजा बनाया जाता था, राजा भी सेक होता था, इसका मतलब क्या कि अब वो उस देश के बारे में जो भी अच्छा बुरा सोचता है वो फैसला ले सकता है, यही होता था ना। तो हम राजा बनाते और कोई फैसला ना लेने दे, और अभी भी सारे फैसले उसके पापा ही ले रहे, तो फिर राजा क्यों बनाया, फिर उसको राजकुमार ही रहने दो, खुद ही राजा बने रहो, राइट, क्योंकि डिसीजंस तो आप ही ले रहे हैं। तो अथॉरिटी मतलब क्या होता है, उस काम को फुलफिल करने के लिए जो भी आपको अथॉरिटी आपके पास होना चाहिए वो आपको दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या आपके सीनियर्स द्वारा, ठीक है, ताकि आप काम को कर सके, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म हमने ऑर्गेनाइजिंग बताया था कि अगर आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और अथॉरिटी ना दी जाए तो क्या होगा, काम नहीं होगा। अथॉरिटी का मतलब तुम सिंपल एक एग्जाम्पल से समझो कि सपोज करो तुम्हें एक इवेंट मैनेज करना है, तुमको बोला गया कि तुमको जैसे भी करना है तुम इवेंट मैनेज करो, लेकिन हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप ये स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हमको कोई दूसरा स्पेस आपको हम लेने के लिए हम आपको बजट सैंक्शन करके दे रहे हैं। कहाँ करिएगा इवेंट? सड़क पे नहीं करिएगा ना, कैसे करिएगा? तो जब आपको मैं या आपको डायरेक्टर सर या आपको कोई भी टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम्हें ये इवेंट करना है तो वो आपको क्या क्या देता है, स्पेस, हाँ तुम ये स्पेस यूज कर सकते हो विद ऑल दिस इंस्ट्रक्शन कि ये खराब नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, इसका केयर आपको करना रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आप ये स्पेस यूज कर सकते हैं, ये बजट आपके पास होगा जिसको आप खर्चा कर सकते हैं, ये लोग मैंने आपको दिया, लो इन चार लोगों को आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हो, आपको जो भी जो काम जिनको असाइन करना है वो दो उनको काम, ठीक है, और इन सब के हेल्प से आपको ये काम करना है। ये क्या होता है, इम्पावर करना हुआ ना, हमने आपको जिम्मेदारी दी और आपको इतना इम्पावर कर दिया अथॉरिटी देके कि अब आप उस काम को कर सकते हैं। अगर हम आपको जिम्मेदारी दे दें और वो इम्पावर ना करे, आपको अथॉरिटी ना दे, तो काम नहीं हो पाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा आपके लिए और आप भी बीच में छोड़ करके चले जाएंगे काम को, ठीक है ना, कि हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं, हम काम करें कैसे, है ना। तो ये कहलाता है क्या, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कैसे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गोज हैंड्स इन हैंड, साथ साथ चलता है, क्योंकि अगर हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे और अथॉरिटी ना दे तो काम नहीं होगा। अथॉरिटी दे दे, ठीक है, सारे ताकत तुम्हारे पास है, तुमको जैसे करना है काम कराओ, लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, ठीक है, अनकंट्रोल्ड बिहेव करने लगेंगे, ठीक है, आपको लगेगा पर कोई कंट्रोल ही नहीं, हमको कोई कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं, तो जितनी बड़ी ताकत उतना ज्यादा जिम्मेदारी, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखना, जो क्लर्क होते हैं, बैंक का एग्जांपल ले लो, जो क्लर्क होते हैं वो चार पांच बजे, 5 बजे निकल जाते हैं, ठीक है ना, उनका टाइम होता है 5 बजे का, तो वो 5:30 बजे तक अपना जो भी उनका रहता है उसका पूरा फाइनल चिट्ठा तैयार करके दे देते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है, घर फ्री। लेकिन एक बैंक मैनेजर को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक सबका काम ना खत्म हो जाए, जब तक बैंक की पूरी पूरा जो भी उनका कैश है वो टैली ना कर जाए, जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ पता ना चल जाए, तब तक उनको रहना होता है। साथ ही बैंक ये ब्रांच कैसे बिजनेस करेगा,
और ज्यादा बिजनेस हम किस कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, इसका प्लानिंग करना, इसके लिए अपने टीम को मोटिवेट करते रहना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी होती है, राइट। उन्होंने अगर एक एम्प्लॉय ने अपना टारगेट नहीं पूरा किया तो उसका क्या होगा, सिर्फ इंसेंटिव नहीं मिलेगा, है ना, सिर्फ उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक ब्रांच ने ओवरऑल परफॉर्म पूरा कर दिया तो पूरा ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन गया। तो सबके काम पे डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन, राइट। तो ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई और सबसे ज्यादा एक ब्रांच में ताकत किसके पास होता है, ब्रांच मैनेजर के पास, वहां का सीनियर वही होता है, राइट, वहां का सीनियर वही होता है। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ज्यादा ऑथोरिटी, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये पैरेलल होता है, राइट। स्टाफिंग मैंने क्या बताया था, मतलब हो गया कि आपका जो काम काम है उस काम के हिसाब से राइट ह्यूमन, राइट ह्यूमन रिसोर्स को वहां पे क्या करना, रिक्रूट करना, वहां पे स्टाफिंग करना, ठीक है। तो राइट पर्सन एट द राइट टाइम स्टाफिंग होता है। और अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, आपकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने अगर गलत रिसोर्सेस को गलत जगह लगा रखा है तो फिर काम आपका एकदम से गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोल रहे रविराज, फिर से बोलो। टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ ये भी स्टाफिंग का काम है, ठीक है, इसके बीच में हम जरूर जाएंगे यहाँ तक। लेकिन अभी स्टाफिंग समझ लो कि जो जिसमें जो स्किल रिक्वायर्ड है, जिस काम को लिए, उसी स्किल सेट का हम एम्प्लॉय को वहां पे रिक्रूट करेंगे, वहां पे डालेंगे ताकि उस काम को हम अच्छे से कर सके। ये स्टाफिंग होता है और ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। डायरेक्टिंग में मैंने तीन चीजें बोली थी, क्या क्या याद रखने के लिए बोला था, नहीं याद है किसी, मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन है, लीडरशिप, कम्युनिकेट करना कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए, क्या गोल है और कैसे उसको आप अचीव करने का आपका प्लान है, ठीक है। मोटिवेट करना, बीच बीच में मोटिवेट करते रहना, ठीक है ना, काम तो अच्छा जानते हैं लेकिन अभी करने का मूड नहीं है उनका, तो उनका कैसे मूड बनाया जाए ताकि वो काम करे, ठीक है, कैसे वो माहौल सेट किया जाए ताकि हमारे सारे एम्प्लॉय अपने आप एकदम सेल्फ एक्टिव मूड में रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ये मोटिवेशन अलग अलग तरीके से करते हैं मैनेजर। एंड देन लीडरशिप, यानी लीडरशिप मतलब क्या, कभी कभी रिसोर्सेज नहीं है, आपका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन अगर आप में लीडरशिप ऐसा है तो आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आपके फॉलोअर्स आपके साथ रहेंगे, होता है ऐसा। ये लीडरशिप का गुण होता है कि कंपनी डूब रही है तो भी बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं वी आर नॉट गोइंग, ठीक है ना, हम आपके डूबते हुए कंपनी को भी सहारा देंगे और इसको उठा के ऊपर लाएंगे ताकि हम एक टीम के रूप में काम करें। तो जैसा आपका नेतृत्व रहेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वैसे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रहे होंगे तो लोग चले जाएंगे, ठीक है ना, इसने कब मेरा सोचा कि मैं इसका सोचूं, है ना, इसने मेरे बारे में तो सोचा नहीं, ठीक है, हमेशा मेरा छुट्टी का पैसा काट लिया, कभी छुट्टी दिया नहीं, कभी कोई प्रमोशन दिया नहीं, ना छोड़ो इसको, ठीक है ना, दूसरी जगह जॉब करते। लेकिन लीडर्स आर इम्पैथेटिक, ठीक है ना, अगर आपके साथ लीडर्स इम्पैथेटिक रहे हैं, आपको समझते रहे, आपको समय समय पे हेल्प करते रहे, देन वैसे लीडर्स के लिए यू ट्राई टू स्टे, है ना, और आप उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जब अच्छा टाइम आएगा तो उसको उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो लीडरशिप ये होता है, ठीक है, अच्छे लीडर्स के साथ हमेशा लोग तैयार रहते हैं। एंड लीडरशिप का अपना एक रेंज होता है, बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, आगे पढ़ेंगे आप लोग। एंड देन कंट्रोलिंग, फाइनली कंट्रोलिंग मतलब मैंने पहले भी बताया होगा शायद कि कंट्रोलिंग क्या है, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, तो साथ साथ कंट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं, राइट। कैसे, प्लान कर लिया, उसको हमने एक टाइम बाउंड एक बनाया ना, जब हम टाइम दे देते हैं तो क्या मतलब होता है कि इस टाइम में इसको खत्म कर लेना है, इस काम को अगर इस टाइम में नहीं खत्म हो तो आपको पता चल गया कि हमारा जो प्लान है वो डेविएट कर गया, अब इसको हमको लाइन पे लाने के लिए और एक घंटा दे दो भाई, और आधा ज्यादा समय नहीं दे सकते, आधा एक घंटा और दे सकते हैं। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक फंक्शन के साथ साथ चलते रहता है, लास्ट में भले हम इसको पढ़ रहे हैं लेकिन इट इज नॉट द थिंग जो सबसे लास्ट में आता है, ऐसा रहे क्या, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे लास्ट में आएगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कंट्रोलिंग को समझने के लिए कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, जब तक आप ऑन करते हो और जहां आपको पहुंचना होता है, थ्रू आउट योर जर्नी यू कीप कंट्रोल ऑन योर बाइक, ऑन योर गाड़ी, ऑन योर कार, व्हाटएवर यू आर ड्राइविंग, है ना,
या फिर सीधा सामने से कोई गुजरेगा तभी कंट्रोल करोगे, तब क्या होगा, झटका लगेगा, गिर जाओगे, फिका जाओगे कहीं पे, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। एक्सीडेंट के बाद भी कंट्रोल होता है, हाथ टूट गया तो प्लास्टर लगा दो, हॉस्पिटलाइज कर दो, राइट। वो कैसा कंट्रोलिंग है, वो कैसा कंट्रोलिंग होगा, करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल मतलब इसको सही करने के लिए, गलती हो चुका है अब इसको सुधारने की जरूरत है। सुधारने के लिए हमने क्या किया कि अब तो अभी तो हाथ ही टूटा है, कुछ और भी हो सकता था जिसको हम करेक्टिव कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे, राइट। तो अभी हाथ टूटा है तो प्लास्टर लगवा दो, हॉस्पिटलाइज कर दो, एक महीने का रेस्ट लेगा फिर काम करेगा। कितना नुकसान हुआ आपका, एक महीना का समय बर्बाद हो गया, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि समय कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये करेक्टिव कंट्रोल हो गया। प्रिवेंटिव कंट्रोल किसको कहते हैं, गलती हो ही ना, प्रिवेंटिव कंट्रोल कि हम कंट्रोल करते आए थे, इतना धीमा गाड़ी था कि सामने से कुछ आया भी तो हम जर्क लगा, झटका लगा, थोड़ा हिले डुले लेकिन गिरे नहीं, हाथ पैर टूटा नहीं और कोई भी सामने वाला सब सही सलामत रहा, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम पूरे थ्रू आउट आवर जर्नी वो कंट्रोल करते हैं ना, अपने स्पीड पे रखते हैं ना, अपने स्पीड पे कंट्रोलिंग यही होता है। आपके फंक्शंस में भी, आपके पढ़ाई लिखाई में भी आप कंट्रोल करते हैं। आप कैसे कंट्रोल करते हैं मैं बताती हूँ। पूरे साल कुछ मत पढ़ो, सेमेस्टर का टाइम एक हफ्ता पढ़ लो, ठीक है ना। करेक्टिव पास तो कर जाएंगे कम से कम, एक हफ्ता पढ़ लो, 15 दिन पढ़ लो, एक महीना पढ़ लो, जिसकी जितनी अपनी कैपेसिटी, कम से कम पास करने का जुगाड़ हो जाए, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स आ जाए, दिस इज करेक्टिव कंट्रोल, है ना। क्योंकि आप एकदम अंतिम में जाके हो, अब आप पढ़ रहे हो पूरा दिन रात एक करके पास करने के लिए, लेकिन प्रिवेंटिव कंट्रोल रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, रोज एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, और जहां पे ज्यादा मुश्किल हो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हो, अंतिम में पास करने का नौबत ना आए, हो सकता है मैं टॉपर हो जाऊं, है ना। जैसा कि हमारे यहाँ हिस्ट्री बनते आया है, मैं भी उस हिस्ट्री को बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, हो सकता है ना। एवरी ईयर वी हैविंग टॉपर्स इन यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों में से कोई वो भी तो हो सकता है। दैट मीन्स वॉट, प्रिवेंटिव कंट्रोल, ठीक है ना। लास्ट का चांस नहीं लेना है, थ्रू आउट स्टडी हमको अपने पढ़ाई पे अपना कंट्रोल रखना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई हमको कंट्रोल करने लगे, राइट। हमको पढ़ाई को कंट्रोल करना है कि कभी मैं ज्यादा कम कर सकता हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो मैं उस दिन नहीं भी 2 दिन पढ़ूंगा तो इतना पढ़ लिया है और आगे इतना पढ़ लूंगा कि सब कुछ कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल में, राइट। दैट इज वॉट कंट्रोल। तो कंट्रोल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट, जो थ्रू आउट चलता है। हाँ, एंड कंट्रोलिंग में, अच्छा आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे, मैं एक बात वो भी बता देती हूँ कि आपका जो आपने अपने लिए कुछ गोल सेट किया है, ठीक है ना, या ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को मान लो कि एक साल बाद ये देखना है कि हमने कितना अचीव किया, तो अगर 100% अचीव, जो थोड़ा रेयर होता है, इफ 100% अचीव, यानी कि थ्रू आउट आपका जो काम रहा वो आपके प्लान के हिसाब से चला है, ठीक है। इफ 80% अचीव, यानी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुआ लेकिन स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल, है ना, एक्सेप्टेबल है, 80% भी अचीवमेंट अच्छा अचीवमेंट माना जाता है, 50% अचीव, बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं तो काम में ढील दी है, ठीक है ना, हम नहीं काम कर पाए और हमको कंट्रोलिंग की जरूरत थी जो हम फेल कर गए, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आपका जो डिजायर्ड गोल है और आपका जो एक्चुअल गोल अचीव्ड है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वही आपका डेविएशन है, और इसी डेविएशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। यही कंट्रोल में सिखाया जाता है कि डेविएशन को मिनिमाइज करें, समझ में आया, मिनिमाइजिंग द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड गोल इज कंट्रोलिंग द प्रोसेस, ओके। अब हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है, फीचर्स। अच्छा, इसका मैंने आप लोगों को नोट्स दे दिया होगा मेरे ख्याल से, मतलब जो भी पीडीएफ सेंड नहीं किया है, ठीक है, सेंड कर देती हूँ, ओके, मैं कर देती हूँ। अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन किया है क्या, ठीक है, रविराज, यस यस मैम।